1899 में आज एक दिन स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का गठन हुआ था। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को आमतौर पर केवल बार्सिलोना या बार्का के नाम से जाना जाता है। यह स्पेन के कैटलोनिया प्रांत के बार्सिलोना में स्थित एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है। बार्सिलोना दुनिया के अग्रणी पर्यटन, आर्थिक, व्यापार मेला और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है और वाणिज्य, शिक्षा, मनोरंजन, मीडिया, फैशन, विज्ञान, कला में इसका प्रभाव व योगदान इसे दुनिया के प्रमुख वैश्विक शहरों में से एक बनाता है। ১৯৪৭ में आज एक दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को अरब और यहूदियों के बीच बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 65 साल पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विभाजन योजना प्रस्ताव के तहत यहूदियों और अरब देशों के लिए सीमाएं मुकर्रर कर दी थी। यहूदी राष्ट्र इसराइल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जबकि अरब और फिलिस्तीनी नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद 1948 में यहूदी राष्ट्र इसराइल का गठन हुआ और इसके बाद दशकों से तनाव और हिंसा का दौर चला आ रहा है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच समय समय पर टकराव होते रहते हैं। दोनों देशों के टकराव के पीछे कुछ अहम मुद्दे जिम्मेदार हैं। इनमें एक दूसरे के अस्तित्व को मान्यता, सीमा, सुरक्षा, जल अधिकार, यरूशलम पर नियंत्रण, इसराइली बस्तियाँ, फिलिस्तीन का आज़ादी आंदोलन और शरणार्थियों की समस्या का हल शामिल है। 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवम्बर की तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल के लिए तय कर दिया। 1963 में आज ही के दिन कनाडा के ट्रांस कनाडा एयरलाइंस का जेट विमान उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अचानक हुई इस दुर्घटना में विमान में मौजूद सभी 118 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रांस कनाडा एयरलाइंस के विमान ने मॉन्ट्रियल से टोरंटो के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद विमान एक मैदान में जा गिरा। घटनास्थल पर मौजूद जांचकर्ताओं ने शिकायत की कि कुछ लुटेरों ने विमान के मलबे और यात्रियों के सामान को लूट लिया। विमान दुर्घटना की वजह क्या थी, इसका कभी पता नहीं लगाया जा सका। कनाडा के इतिहास में इस विमान दुर्घटना को सबसे भयावह विमान हादसों में गिना जाता है। 1993 में आज एक दिन ब्रितानी संसद में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को विपक्ष ने घेरा था। चरमपंथी गुट आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के साथ सरकार की बातचीत का मामला सामने आया था, जिसके बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। उत्तरी आयरलैंड के तत्कालीन सचिव पैट्रिक मेहू ने कहा था कि सरकार के आधिकारिक रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, जिसके मुताबिक IRA के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं की जाएगी जब तक वो हिंसा त्यागने के समझौते पर हस्ताक्षर न कर दे। उनके इस बयान को विपक्षी दलों ने खारिज कर दिया था और उनके इस्तीफे की मांग की। विपक्ष ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। हालांकि सरकार ने IRA से हुई वार्ताओं से जुड़े दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे, लेकिन एक सांसद ने दावा किया कि ये दस्तावेज जाली हैं। 15 दिसंबर 1993 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर और उनके आयरलैंड के समकक्ष एल्बर्ट रेनॉल्ड्स ने डाउनिंग स्ट्रीट डिक्लेरेशन के नाम से एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में कहा गया था कि उत्तरी आयरलैंड में ब्रिटेन की किसी भी तरह की आर्थिक और सामरिक रुचि नहीं थी। 1994 में IRA के साथ युद्ध विराम की घोषणा की गई, लेकिन ये युद्ध विराम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और 1997 में आखिरकार एक नई युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए गए।